नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शरीर का हर अंग कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का अंदाजा हमें तब होता है जब वो खराब हो रहा होता है या फिर खराब हो चुका होता है, तभी उसकी असली कीमत हमें पता चलती है। शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का किडनी। अगर किडनी खराब हो जाए तो शरीर से दूषित द्रव्य बाहर नहीं निकल सकता, और अगर दूषित द्रव्य बाहर नहीं निकल सके तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। और इसीलिए आज वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कैसे अलर्ट होना चाहिए, क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको आप बारीकी से नजर रखें तो अपनी किडनी को खराब होने से बचा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम। तो वर्ल्ड किडनी डे पर आज हमारी एक खास पेशकश है। अगर आपको भी लगता है कि किडनी से संबंधित कोई समस्या या कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400-8777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो फोन लगाने से पहले रायपुर का कोड लगा लें 0771। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है NHMMI हॉस्पिटल रायपुर के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील धर्मानी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यूरोलॉजिस्ट है एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर वरुण शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है इस खास डे पर दो इतने महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ में हैं तो हमारे दर्शकों को आज बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिल पाएगी। तो सबसे पहले चर्चा मुझे लगता है कि डॉक्टर सुनील आपसे मुझे करनी चाहिए कि भारत जैसे देश में वर्ल्ड किडनी डे जब हम मनाते हैं तो कितनी जिम्मेदारी आप जैसे डॉक्टरों की हो जाती है, क्योंकि भारत में किडनी से जो मरीज हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, जो वर्ल्ड किडनी डे है ये सेकेंड वीक जो थर्सडे होता है, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो प्लान है वो ये है अवेयरनेस फैलाना, किडनी के प्रति जागरूकता। और इसमें सारे ही डॉक्टरों का, फिजिशियंस का, नेफ्रोलॉजिस्ट का तो खासकर पूरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे तरह से इन्वॉल्व होके समाज को जागरूक करें, जो हम सब करते आ रहे हैं। तो पूर्ण रूप से हम ही जिम्मेदार हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये जो डे मनाया जाता है ये इसके पीछे ये मकसद है, और हर साल एक थीम दी जाती है। वो थीम किडनी के अलग अलग पार्ट के हिसाब से और अलग अलग तरीके, जैसे इस बार की जो थीम दी गई है वो ये दी गई है कि किडनी हेल्थ सबके लिए सब जगह पे, प्रिवेंशन से लेके डिटेक्शन और फिर बराबरी की केयर सबको मिले, मतलब कंप्लीट कवर किया गया है। तो मकसद यही है, और हम सारे डॉक्टर मिलके इसलिए इसको अच्छे से मनाते हैं ताकि ये पूरा मैसेज जनता को जाए और जनता उसके प्रति और जागरूक हो। बिल्कुल, और आपके माध्यम से हमारी भी ये कोशिश है कि हमारे दर्शकों को कम से कम आज एक दिन अगर हम किडनी पर चर्चा करें तो आपके जहन में किडनी की सेहत के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर वरुण, आपसे मैं पूछूं, भारत जैसे देश में अगर हम देखते हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये बीमारी कैपिटल के तौर पर, यानी कि जब कैपिटल घोषित किया जाता है किसी चीज को, तो जाहिर सी बात है कि संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या ऐसे कारण आप देखते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी होती है, या न्यूट्रिशंस की कमी होती है, या हमारी लाइफस्टाइल होती है? ऐसे मेजर क्या कारण एज अ डॉक्टर आप देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज जहां हम वर्ल्ड किडनी डे पे किडनी का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कारण हमारे सामने आते हैं, जो मेन कारण है किडनी खराब होने के, पहला है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दो महत्वपूर्ण कारण हैं आपकी किडनी को जो ख़राब करते हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल घोषित किया गया है, यानी 2050 तक आते आते वर्ल्ड के जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा हमारे देश में होंगे। और क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपकी किडनी खराब होने के, इसीलिए इसी अनुपात में किडनी के रोगियों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ में जो ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स यानी दर्द की दवाएँ, जो आप कभी भी कहीं भी दर्द हुआ, किसी भी दुकान पर जाके दर्द की दवा लेके हम जो खा लेते हैं, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, उसके कारण जो किडनी को डैमेज होता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके अलावा किडनी में पथरी या आपके जो मूत्र का मार्ग है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट, अगर ये सब चीज़ें हैं और इसमें लापरवाही बढ़ती जाती है, इनका ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर ये अल्टीमेटली किडनी को इफेक्ट करते हैं और आपकी किडनियाँ खराब होती हैं। चार महत्वपूर्ण चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई जिसमें से सभी मुझे लगता है आपको पता होगा तो आपको अलर्ट होना चाहिए। एक तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दर्द निवारक जो दवा खुद से जाकर आप मेडिकल से लेते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। सीमा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। सीमा, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार,
हाँ जी मैडम, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी बोले। हाँ इनका, मेरे पिताजी हैं कि उनकी एज है 80 साल। तो उनको पहले खांसी की प्रॉब्लम हुई तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए, सरकारी में चेक हुआ तो उन्होंने एक्सरे किया तो उन्होंने कहा किडनी में इन्फेक्शन है थोड़ी सी, तो इसकी वजह से खांसी से इसका कोई संबंध है कि इन्फेक्शन का? तो उन्होंने एंटीबायोटिक दवाएं दी तो 20-25 दिन खाई तो अब उन्होंने बंद कर दी, तो हम इसके लिए क्या उपाय करें? दवाइयां तो बंद कर दी और खांसी से इसका कनेक्शन है कि इन्फेक्शन हो तो खांसी? चलिए, दो दो महत्वपूर्ण चीज थी, एक तो किडनी में इन्फेक्शन की बात इन्होंने कही और दूसरी खांसी, क्या ये दोनों कोरिलेट करती है? मुझे लगता है डॉक्टर वरुण आप जवाब दें इसका। देखिए किडनी का इन्फेक्शन अगर सेप्सिस के रूप में बढ़ता है, उसको समय पे इलाज नहीं किया जाता तो वो शरीर के अलग अलग सभी अंगों को इन्वॉल्व कर सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। उसके चलते किडनी अगर काम करना उसका कम हो जाता है तो शरीर में वाटर रिटेंशन होने लगता है और उसी का एक लक्षण है फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना, जिसको पल्मोनरी इडीमा कहते हैं, या फिर जो फेफड़े के ऊपर की झिल्ली होती है उसमें पानी भर सकता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से किडनी में होने वाला कोई भी रोग जिसमें इन्फेक्शन या संक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फेफड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है और खांसी के रूप में भी आपके आगे प्रकट हो सकता है। डॉक्टर सुनील, जब हम किडनी डे पर आज महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं तो अब शुरुआत में आपसे इसलिए करूं क्योंकि लक्षण जो होता है वो किसी भी बीमारी की बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, क्योंकि शुरुआत में अगर लक्षण पकड़ में आए तो गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। मुझे लगता है लक्षण पर चर्चा आप करें। देखिए किडनी की बीमारी बेसिकली अमूमन दो प्रकार में उसको डिवाइड किया गया कि एक तत्काल प्रभावित किडनी इंजरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी कैसे हो सकती है? अचानक से अपने को वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए, या कोई पेन किलर्स हमने ले लिए हाई डोज में, या उस किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, तो किडनी तुरंत ग्रसित होती है। तो ये जो इमिडिएट जो लक्षण क्या आते हैं, पेशाब कम हो जाना, सूजन आना, ये उनमें है। लेकिन दूसरा जो मेन जो माना जाता है मोस्ट कॉमन, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, धीरे धीरे किडनी खराब होती है। तो 80% से ज्यादा जब किडनी खराब हो जाती है तब लक्षण आते हैं। यही एक प्रॉब्लम है कि आपको शुरुआत में क्रॉनिक किडनी डिजीज में लक्षण नहीं मिलते हैं, तो इतना मेजर डैमेज होने के बाद जो लक्षण मिलते हैं वो है भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस फूलना। कई बार कुछ पेशेंट्स लेट प्रेजेंट करते हैं और झटके लेके आते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि मिर्गी बीमारी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि किडनी की तकलीफ की वजह से। कई पेशेंट को खुजली की तकलीफ होती है, कई पेशेंट मेंटली कंफ्यूज होके आते हैं। तो ये सारे लक्षण है, लेकिन मैं फिर से इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये लक्षण 80% डैमेज के बाद आते हैं क्रॉनिक किडनी। ये बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए अपने को जागरूक होना पड़ेगा और पहले ही पकड़ना पड़ेगा, तो जागरूकता से ही समझ में आएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जागरूकता के स्टेप पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। तिलदा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गोवर्धन। गोवर्धन स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। चले, संपर्क टूट गया। डॉक्टर वरुण, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने कहा कि एक तो तुरंत से जो किडनी की बीमारी आती है, दूसरी क्रॉनिक जो होती है, क्रॉनिक वाली जो चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पकड़ में ही नहीं आती है। यहाँ पर जो अगला स्टेप होगा मेरी जानकारी के हिसाब से, वो ये है कि एक हेल्दी व्यक्ति को भी क्या अपने शरीर में किडनी की जांच कराकर इसकी गंभीरता पकड़ में आ सकती है? जी, अगर कुछ जांचें हैं जिसको अगर हम समय समय पे कराते रहें तो किडनी में जो भविष्य में काफ़ी डैमेज हो सकता है उसको समय पे पकड़ा जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं तथा यूरिन का टेस्ट होता है। जो सबसे पहला लक्षण होता है आपकी किडनी खराब हो रही है वो होता है यूरिन में प्रोटीन आना। जब आपके शरीर में और कोई भी लक्षण नहीं है, अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो आपको तुरंत नेफ्रोलॉजी से संपर्क करना चाहिए या अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए कि कारण क्या है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। यह आपकी किडनी खराब होने का पहला लक्षण है। साथ में क्रिएटिनिन नाम के खून की जाँच होती है, वो आपके किडनी कितना प्रतिशत काम कर रही है उसको बताता है। और इसके अलावा रूटीन में सोनोग्राफी किडनी का, एक 50 साल की उम्र अगर हम देखें तो उसके बाद रूटीन में अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। और अगर आप में कोई ऐसी बीमारियां हैं जो आपको ज्यादा रिस्क पे ला देती हैं किडनी खराब होने के, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज आपको है, तो आप डेफिनेटली रेगुलरली अपना सोनोग्राफी करवाइए, क्रिएटिनिन चेक करवाइए और यूरिन का टेस्ट करवाइए, ताकि गंभीर किडनी रोगों को हम समय पर पकड़ के उसका उचित निदान कर सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं किडनी से संबंधित बीमारी और उसके उपचार के बारे में। कॉल ले लेते हैं, राजगढ़ से कॉल किया है शकील ने हमारे साथ। शकील स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोले। चलिए आप वक्त जाया ना करें, क्योंकि टीवी
टीवी के जरिए आप सुनेंगे और सवाल पूछेंगे तो वक्त जाया होगा। प्रेम जुड़ चुके हैं अगले कॉलर हमारे साथ में। प्रेम स्वागत है आपका, सवाल पूछें। चलिए तो दर्शकों को हम ये भी बता दें कि टीवी का वॉल्यूम अगर आप बढ़ा के सवाल पूछेंगे तो ना आप पूछ पाएंगे और ना ही हम सुन पाएंगे। डॉक्टर साहब, किडनी से जुड़ी जब समस्याएं आती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो बड़े बड़े लोगों की जानकार में ये होता है कि अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो ये किडनी से बीमारी से रिलेटेड एक लक्षण हो सकता है। लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर इसको अवॉइड करती हैं कि शायद काम कर लिया, खड़े हो गए, इस वजह से स्वेलिंग आ गई, घरेलू उपचार शुरू होता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? ये एक लक्षण है। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि शरीर में सूजन आना, तो सूजन जो है पाँव में दिख सकती है आपको, चेहरे पे दिख सकती है और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में आ सकती है। तो डेफिनेटली इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपनी किडनी की बीमारी इसमें रूल आउट कर लेना चाहिए कि वो है तो नहीं, क्योंकि लक्षण बहुत ही, ये सूजन बहुत और बीमारियों की भी है की वजह से है, लेकिन किडनी का कॉज आपको जरूर रूल आउट करना चाहिए। किडनी के ट्रीटमेंट पे जब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सुनील, तो ये कहा जाता है कि डायलिसिस जो होता है वो तभी होता है जब आपकी किडनी खराब हो गई, और अगर एक बार आपकी डायलिसिस हो गई तो आपको जब तक आप जिंदा हैं तब तक डायलिसिस करानी पड़ेगी। मुझे लगता है ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर आज जानकारी आपको देनी चाहिए। देखिए, डायलिसिस की जो जरूरत है वो मैंने आपको जब कारण बताए थे टाइप्स, तो मैंने बताया था कि एक तत्काल प्रभावित किडनी इंजरी होती है और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसमें जो डायलिसिस लगती है वो टेम्पररी लगती है, अचानक से किडनी ग्रसित हुई, बंद हो गई, कुछ समय के बाद किडनी को समय लगता है रिकवर करने में, तो उस दौरान आपको सपोर्ट के तौर पर डायलिसिस लगती है। अब वो एक लग सकती है या दस भी लग सकती है, लेकिन उसके बाद संभवतः आपको डायलिसिस नहीं लगेगी और किडनी 70-90% चांस है आपकी किडनी पूरी रिकवर भी कर सकती है। लेकिन जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज में जाते हैं और उसके इलाज के लिए बात करते हैं, उसमें जो डायलिसिस लगती है, मतलब जो किडनी धीरे धीरे खराब हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स, उसमें आपको जो डायलिसिस लगती है वो लंबे समय के लिए लगती है। बिल्कुल। रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अगले कॉलर है। रवि स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कह रहा था ना, कोई यूरिन में थोड़ी जलन होती है, बहुत स्लो आता है धीरे से। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, मुझे लगता है इस पर आपको जानकारी देनी चाहिए, इस पर चर्चा हम करने वाले थे। जी देखिए, पेशाब में होने वाली इस तरीके की तकलीफें, पेशाब करने में तकलीफ होना, जोड़ लगाना, पेशाब की धार नहीं बनना, बार बार रात में पेशाब जाना, दिन में उठना, पेशाब कंट्रोल ना होना, जैसे ही पेशाब लगे तुरंत जाना, ये सब समस्या यूजुअली उम्र बढ़ती उम्र के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि जो बढ़ती है साइज में उस कारण आती है। इनको समय पर एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर इनका समय पर निदान नहीं करेंगे तो क्योंकि जोड़ लगा के पेशाब करना पड़ता है और जो प्रेशर अंदर बनता है वो ऊपर आपकी किडनी में प्रेशर जाके आपकी किडनीज़ को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए तुरंत अपने नज़दीकी जो भी फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट जो भी चिकित्सक हैं आपके पास में, उनसे सलाह लें और फिर जांचें करवा के उसका निदान करवाएं। डॉक्टर वरुण, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देती हूँ, वो ये कि पानी पीने की जो टेंडेंसी होती है लोगों में, वो कई बार मिथ होती है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए तो पथरी नहीं बनेगी, किडनी हेल्दी रहेगी, या फिर इन्फेक्शन हुआ है पथरी बन गई है इसलिए किडनी में प्रॉब्लम हुई है। ये है क्या, किस तरीके से कोरिलेट और हम कितने अवेयर रहें पानी को लेकर? देखिए, ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। डेफिनेटली पत्थर बनने की शुरुआत तब होती है जब हमारे यूरिन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होने लगे। यूजुअली यूरिन के अंदर ये मैकेनिज्म होता है प्राकृतिक रूप से ही कि वो उसको क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, परंतु अगर पानी कम पिएंगे तो उसका जो सेचुरेशन है वो बढ़ जाता है और फिर क्रिस्टलाइजेशन चालू होकर पथरी बनने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पीने से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो पथरी भी नहीं बनेगी। जहाँ तक ज़्यादा पानी पीने का सवाल है, आमतौर पे क्योंकि हम एक गर्म कटिबंध में रहते हैं, उष्ण कटिबंध में रहते हैं, भारत देश हमारा उष्ण कटिबंध में आता है, तो डेफिनेटली जो वेपोराइजेशन है जो हमारा वाष्पीकरण से और बाकी पानी का जो बॉडी से लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए दिन में 3-4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, और पथरी को इस तरीके से बनने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। अनुष्का हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। अनुष्का स्वागत है, पूछिए सवाल। मैडम सर, मैं मेरी ना एक ही किडनी है और वो भी लार्ज साइज की है, तो प्लीज मुझे बताएं कि उसको एज क्या है आपकी? अनुष्का, मेरी एज है अभी 17 साल की। और किडनी क्या ऑपरेशन के जरिए निकालनी पड़ी, खराब हो गई थी?
किडनी मेरी एक ही है मैडम जन्म से ही। अच्छा। और जो है वो भी थोड़ी बड़ी साइज की है, ठीक है, मतलब वो भी ठीक से नहीं है, तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए भविष्य में, थोड़ा सा मुझे बताएं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। इसमें जो आपने बताया एक किडनी है, जब बचपन से एक किडनी होती है तो सारा दारोमदार दूसरी किडनी पे आता है, तो डेफिनेटली उसका जो फंक्शन है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो साइज थोड़ी बढ़ जाती है। नॉर्मली भी वो साइज नॉर्मल से बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार चूंकि सिंगल किडनी है आपकी, तो उसकी जांच जरूर करानी चाहिए कि उस सिंगल किडनी पे बर्डन ज़्यादा आ रहा है तो कहीं कोई बीमारी साथ में तो नहीं है। तो जैसा कि पहले डॉक्टर वरुण ने बताया, यूरिन की जाँच, सीरम क्रिएटिनिन की जाँच, इन बेसिक जाँचों को पहले करा लेना चाहिए। अगर वो ठीक आती है तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, तो प्रोटीन और क्रिएटिनिन जरूर चेक करना चाहिए। चलिए, खान पीन की सावधानी हम आपसे और भी डिस्कस करेंगे। शकील जुड़ गए हैं राजगढ़ से। शकील, स्वागत है आपका, पूछ लीजिए सवाल। हेलो। हाँ जी बोले। अरे हमारी एक किडनी तो खराब है, वो एक किडनी अभी काम नहीं कर रही है, अभी 13 पे चल रही है, 10 पे 13 पे हो रही है। क्या उम्र है आपके शकील? 40 साल। डॉक्टर साहब, एक किडनी अगर आपकी खराब है और एक काम नहीं कर रही है, कैसे पता चला आपको? हमने जांच करी थी, पहले ऑपरेशन भी करा था, पथरी निकाल के उसका डायलिस हो रहा, हमारे कम से कम डायलिस होगा 20-25। हाँ, तो अभी भी डायलिसिस पे आप? हाँ, अभी भी डायलिसिस। तो इसका अगर आप डायलिसिस पे, तो इसका मतलब दूसरी किडनी भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर एक किडनी काम नहीं करती तो दूसरी किडनी अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे ये मतलब है कि दोनों किडनी आपकी अफेक्ट हुई है। ऐसे में ट्रीटमेंट का क्या है, लाइफ लॉन्ग इनको उस पे रहना पड़ेगा? हाँ, देखिए वो क्या होता है कि भले एक साइड में पथरी हो, लेकिन दूसरी किडनी पे जो बीमारी अंडरलाइंग होगी उसकी वजह से वो किडनी खराब होगी, तभी पेशेंट का क्रिएटिनिन उस लेवल पे बढ़ता है और तभी डायलिसिस की लाइफ लॉन्ग नीड रहती है। अगर रुकावट है पथरी की तो यूरोलॉजिस्ट उसको ठीक कर देते हैं, पथरी हटा देंगे और फंक्शन होगा तो वापस से क्रिएटिनिन काम हो जाएगा और डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर वरुण, चूंकि पथरी वाला सवाल है, मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। पथरी अगर किडनी में है तो कई बार जो लोग हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा करते करते हमने देखा है कि वो पथरी की साइज बढ़ जाती है। यहाँ पर उनको ये डर होता है कि अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं तो किडनी को डैमेज होगा, और क्या पथरी अंदर रह गई तो क्या वो अपने साथ साथ जो बाजू में दूसरी किडनी उसको भी इफेक्ट करती है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हम जिस समाज में रहते हैं, शायद हमारे चारों तरफ पथरी के डॉक्टर बहुत सारे रहते हैं। आप अगर बताएंगे पथरी है तो आपके पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार से लेकर सब लोग आपको कुछ ना कुछ सलाह देंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं या लोकल कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं जिसका पता नहीं होता, कुछ भी दवाएं लेते हैं, सब लोग ऑपरेशन से घबराते हैं, डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो पथरी जिसको समय पर निकाल के आपकी किडनी को बचाया जा सकता था, वो आपकी किडनी को परमानेंट डैमेज कर देती है। इसलिए बिना संकोच करे हुए अगर आपको पथरी है तो पहले आप डॉक्टर से मिलें, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी किडनी को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। बिल्कुल। मोनिश जुड़ चुके हैं। मोनिश, स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं मुझे पूछना था कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन का कोई साइड इफेक्ट है क्या? और क्या हम मेडिसिन में, अगर प्रोस्टेट साइज एनलार्ज्ड है तो क्या हम मेडिसिन में भी पेशेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर वो हार्ट वाले हैं और यूटीआई की शिकायत हो चुकी है पहले तो? ठीक है, देखिए प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों का जहाँ तक सवाल है, आजकल दवाएं बहुत अच्छी हैं, 90% लोगों में दवाइयों से ही आराम हो जाता है, और कुछ ही डेफिनेट इंडिकेशन है ऑपरेशन के जिसमें से दवाओं से अगर आराम नहीं होता, जिसको फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर किडनी उसके कारण खराब हो रही है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिन में खून आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पथरी बन गई है, तो ये डेफिनेट इंडिकेशन है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और केवल प्रोस्टेट के कारण पेशाब में तकलीफ हो रही है, उस केसेस में मेडिसिन से ही आराम मिल सकता है। जहाँ तक आपने पूछा कि कार्डियक प्रॉब्लम है और उसके साथ में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो आजकल लेजर द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है, जिसको होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, होलैप बोलते हैं। उस पद्धति में अगर कार्डियक पेशेंट भी है तो खून पतला करने की दवा को बंद करे बिना भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा सकता है। जहां तक इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, पेशाब के कंट्रोल का रिस्क रहता है, कई बार पेशाब का कंट्रोल कुछ समय के लिए जा सकता है, कई बार कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब की नली की सिकुड़न हो सकती है, परंतु यूजुअली ये सारी चीज़ों का जो प्रतिशत होता है वो 1-2% रहता है, पर मेजॉरिटी पेशेंट को इससे आराम मिलता है। बिल्कुल। मनोज जुड़ चुके हैं जगदलपुर से हमारे साथ में। मनोज पूछिए सवाल। मनोज सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए डॉक्टर सुनील, यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने टू टाइप्स किडनी डिजीज बताया, जो सेकंड टाइप्स था जो धीरे 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 खराब होती है, उसके पीछे क्या कारण है? कि जेनेटिक वजह है, हमारी लाइफ स्टाइल है, कम से कम हम अवेयर रहे ताकि हमारे अंदर में ये बीमारी शुरू ही ना हो सके, या हो भी गई है तो हमें कुछ पता तो चले। देखिए, इसमें जो आज की डेट में पहले भी चर्चा हुई, मुख्य कारण तो 40% कंट्रीब्यूशन डायबिटीज का है। अच्छा। और करीब 20% जो है ब्लड प्रेशर रोल प्ले करता है। इसके बाद आ जाती हैं कुछ अनुवांशिक बीमारियां, जैसे हम लोग हेरिडिटरी ADPKD करके बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती है किडनी में, तो वो कारण है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन जो अभी जिसपे चर्चा हुई, प्रोस्टेट, जिसके यूरिन के रास्ते में रुकावट, तो उसकी वजह से धीरे धीरे बैक प्रेशर से किडनी खराब होती है। फिर आती है ओवर द काउंटर पेन किलर्स और अल्टरनेटिव दवाएं, जो हम लोग जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें लौह पदार्थ भी रहते हैं उन दवाओं में, वो डेंजरस है किडनी के लिए। और कुछ और भी जो है, जो बच्चे रहते हैं उनमें जो है रुकावट वाले केसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कंजेनाइटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, PU वेल्व, तो ये सब जो है धीरे 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 करके किडनी को खराब करती जाती हैं। तो ये, और जो आपने लाइफस्टाइल ऐड किया, तो ये लाइफस्टाइल उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करता जाता है। अच्छा। तो धीरे धीरे पूरी किडनी स्लोली खराब होती चली जाती है। प्रेम जुड़ गए हमारे साथ दोबारा, इन्होंने हमें कॉल किया है। प्रेम, स्वागत है आपका, पूछ लीजिए सवाल अपना। सर, मेरा एक किताब 1.6 पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा था कि शुगर है, तो शुगर चेक किया, बाद में पता चला कि किडनी में 6.87% क्रिएटिनिन बढ़ गई है। क्या एज है? हेलो, एज क्या है आपकी? 56 साल। डॉक्टर वरुण जी, पूरी पूछ लीजिए आप, पूरी तकलीफ बताइए आप, तकलीफ बता दें, पूरा सवाल पूरा करें। मेरे को भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने डॉक्टर यहाँ मेडिसिन हॉस्पिटल में दिखाया था रायपुर में, तो उसके बाद ये 6.87% मेरी रिपोर्ट में आया, किडनी में प्रॉब्लम है करके 6.87%, तो आज मेरी डाउन होके 1.73 पे आ गई है, और अब मैं नॉर्मल हूँ, तो लेकिन मुझमें स्टेंट अलग है फिर भी अभी। जी, तो किडनी के मार्ग में कोई रुकावट रही होगी या कोई पथरी होगी आपको? जी सर, पथरी है, दोनों किडनी बताया पथरी है करके। जी जी जी, ये जैसा डॉक्टर धर्मानी ने चर्चा की थी, एक्यूट किडनी इंजरी है, पथरी के कारण रुकावट हुई, क्रिएटिनिन बढ़ा, और जैसे ही उसका समाधान किया गया, स्टेंट डाला गया, वैसे ही आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर तुरंत, देखिए, इन्होंने समय पे उपचार लिया, अगर ये इसी पथरी के लिए लापरवाही करते तो शायद इनकी जो किडनी थी वो परमानेंटली डैमेज हो जाती और क्रिएटिनिन नॉर्मल ना आता। आपने सही ट्रीटमेंट लिया है, अभी आपको स्टेंट डाला गया है, क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल आ गया है, अब आप पथरी निकलवा लीजिए और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप कराइए, आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, चूंकि अब हमारे पास में समय बहुत कम है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड किडनी डे है, तो मुझे लगता है कुछ टिप्स आपको जरूर हमारे दर्शकों को देने चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, आज के दिन पूरी सावधानी बरतें, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम उसमें से आपको ये बोलेंगे कि रोज 3 से 4 लीटर पानी पिए, अगर आपको शुगर है तो बराबर से उसको कंट्रोल रख के, जो 3 महीने की जांच है उसको 7, जिसको HbA1c बोलते हैं, उस पर रखें, ब्लड प्रेशर 130/80 का कंट्रोल लेके रखें, और जंक फूड को बिल्कुल ना लें, जंक फूड में आपका नमक भी आता है, और नमक की मात्रा खाने में सिर्फ 2 ग्राम रखें, और हमेशा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी आप दोनों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, धन्यवाद। तो वर्ल्ड किडनी डे पर हमारी कोशिश थी कि हम आपको अवेयर कर सकें, हमारे स्पेशल गेस्ट के माध्यम से तमाम वो जानकारी हमने आपको दी, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जागरूक हों, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और अपने और परिवार के साथ सेहतमंद रहें। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।